गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 2 वर्ण शब्द और वाक्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वर्ण का अध्ययन करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वह ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें वह क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और वर्ण को तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा, LKG क्लासेस, सबसे पहले हमें वर्ण ही पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आज हम इस पाठ में थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें उन्हें हम वर्ण कहते हैं। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है, ध्वनियाँ निकलती हैं और ध्वनियों के सार्थक समूह शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। और जो हम इन ध्वनियों को लिखते हैं तो किसी चिन्ह रूप में लिखते हैं तो उनको हम वर्ण कहते हैं। और जो ध्वनियों के जो सार्थक समूह होते हैं और उनको मिलाकर हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। अब पहला जो चित्र है वह क्या है, हाथी। दूसरा क्या दे रखा है, सूरज का चित्र दे रखा है। और जो तीसरा चित्र है वह एक महिला का चित्र है, यहाँ पर लिखा हुआ है माता, ठीक है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे हाथी, सूरज और माता शब्दों को बोलने में कई ध्वनियाँ प्रयुक्त हुई हैं। जैसे हाथी शब्द में ध्वनियाँ हैं, जब हाथी शब्द को हम थोड़ा खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ह है तो ह कैसा है, आधा, यानी कि वह व्यंजन है। फिर उसके साथ में क्या लगा हुआ है, आ स्वर लगा हुआ है। उसके बाद फिर थ है, था भी व्यंजन है और उसके साथ ई की मात्रा लगी हुई है जो कि क्या है, व्यंजन है। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हो गई, 4 ध्वनियाँ हो गई। इसी प्रकार सूरज को जब ओपन करके लिखेंगे, खोल कर लिखेंगे, अलग अलग ध्वनियों को अलग अलग करके लिखेंगे तो इसमें 6 ध्वनियाँ प्रयुक्त हुई हैं। इसी तरह माता शब्द में भी 4 ध्वनियाँ हैं, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है वर्णमाला। क्या होती है वर्णमाला, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप तो, कि अ से लेकर ज्ञ तक जो भी हम पढ़ते हैं, स्वर, व्यंजन आदि, ये क्या है, क्या कहलाती है, ये पूरी वर्णमाला होती है। यानी कि शब्दों का, सॉरी, वर्णों का क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला का अध्ययन करते हैं अब हम। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं, अयुग्मवाह होते हैं तथा व्यंजन होते हैं। और इन सारी चीज़ों को आपने, जो आपकी पहले की क्लास थी यानी कक्षा 3 में भी आपने इनको पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आज हम थोड़ा इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर के बारे में तो आप जानते हो कि हिंदी में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे क्या हैं, ये 11 स्वर हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो सके उन्हें स्वर कहते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए किसी अन्य की स्वर या किसी व्यंजन की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वर कितने हैं, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। 11 स्वर कौन कौन से, आप अपनी पुस्तक में देखिए और इनको याद करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब पढ़ते हैं अयोगवाह। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे जब अ के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं उसे कहते हैं हम अनुस्वार। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है। यानी कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जो वायु है वो कहाँ से निकलेगी, वो मुंह से ना निकलकर नाक से निकलती है। अब कुछ शब्द दे रखे हैं
तो जब आप उनका उच्चारण करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो हम उनका उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो मुख से ना निकल, कहाँ से निकल रही है? हमारी नासिका से निकल रही है, यानी कि हमारी नाक से निकल रही है। जैसे हंस, गंगा, कंगन, चंदन आदि, आप उनका उच्चारण करके देखना। अब है आ के आगे दो बिंदियां होना, जिसे कहते हैं विसर। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, अर्थात इसका उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से होता है? गले से होता है। इसे बोलते समय हा की आवाज़ आती है और इसका चिन्ह होता है दो बिंदियाँ। और जो संस्कृत से कुछ शब्द हैं जो कि हिंदी में आए हुए हैं और वो उसी प्रकार से प्रयोग में हो रहे हैं, जैसे कौन, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? हा का उच्चारण हो रहा है इसमें। अब है आ के ऊपर चंद्रबिंदु का होना, जिसे कहते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण होता है मुंह से और नाक से, अर्थात जब हम का उच्चारण करेंगे तो जो मुंह के अंदर जो वायु होती है वो हमारे मुंह से भी निकलती है और हमारे नाक से भी निकलती है, तो इसका उच्चारण होगा, इसे हम अनुनासिक कहेंगे। आप उच्चारण करिए, साथ में कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे आँख, हंसना, पाँच आदि, ठीक है। तो जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है और जो अनुनासिक का स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है, इस चीज़ को भी आपको याद करना है। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन के बारे में तो आप जानते ही हो कि हिंदी में 33 व्यंजन है। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात जब हम बोलेंगे तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। और हिंदी में कितने व्यंजन हैं? हिंदी में 33 व्यंजन है, यानी कि 33। परंतु दो अतिरिक्त व्यंजन भी है। जब हम आपने पढ़ा होगा ड और ढ, जब इनके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं तो ये अतिरिक्त व्यंजन में भी जुड़ जाते हैं। इस प्रकार जो हमारे व्यंजन हैं वो कितने हो जाते हैं? 35, यानी कि 35 हो जाते हैं। आप देखोगे कि कुछ का से लेकर ह तक कुछ व्यंजन लिखे हुए हैं और ये क्या हैं? सारे हमारे व्यंजन हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, और श, श, श और ह। य, र, ल, व को हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं और श, 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 ह को हम क्या कहते हैं? इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और दो अतिरिक्त व्यंजन हो गए अपने पास, द और ढा। विशेष रूप में कुछ लिखा हुआ है कि ड और ढा का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता, जैसे लड़का, पढ़ाई, सड़क आदि। व्यंजनों को बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है, ठीक है ना। जब हम इनको बोलेंगे तो जो हमारे मुख से वायु निकलेगी उस मुख को बोलने में थोड़ी रुकावट प्रतीत होती है। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी कि मिलाना, यानी कि दो या दो से अधिक जब शब्दों को हम मिलाएंगे या उनको संयुक्त करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। किन्हीं दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? श, जो कि बनता है क और श से मिलकर, और इसे वर्ण शब्द बनेंगे रक्षा, रक्षक और भिक्षा। दूसरा वर्ण है त्रय, जिसे हम पढ़ते हैं त्रय से त्रिशूल, जिसे ये बनेगा त और र से मिलकर बनेगा, तो ये हो जाएगा। इसमें जो त होगा वह आधा होगा, क्योंकि इसके नीचे आप देखोगे त के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसी प्रकार क्षत्रिय श में भी क के नीचे हलंत है, इसका मतलब होते हैं ये सारे वर्ण कैसे हैं? आधे हैं। अब त और रा को मिलाने से जो शब्द बनेंगे मित्र, सत्र, पवित्र आदि। अब है गै। गै जो शब्द है वो ज, जा आधा है और आया, तो इनसे बन जाएगा गै, जैसे ज्ञात, ज्ञान और यज्ञ। अब है श्रेय। श्रेय जो बनेगा श, श आधा है और र, तो श और र को मिलाने में बनता है श्रेय। इससे मिलकर वर्ण बनेंगे, सॉरी शब्द बनेंगे परिश्रम, श्रवण और आश्रम। अब है मात्राएं, कि हिंदी में कुछ मात्राएं भी हैं, उनका भी हम ज्ञान कर लेते हैं। शब्द रचना में व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर का रूप परिवर्तित हो जाता है और इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। जब आप अपनी पुस्तक में देखोगे
तो ऊपर स्वर दे रखे हैं, नीचे उनकी मात्राएं दे रखी हैं कि कौन से स्वर की मात्रा कौन सी होती है। और हम आप भी मात्रा का प्रयोग करके देखना कि कोई भी एक वर्ण ले लेना, उन पर मात्राएं लगा के देखना और उनका उच्चारण करना। मात्रा वाले शब्द कुछ फिर उन जो आप मात्रा लगाओगे उनको मिलाकर आप ऐसा करना, कुछ शब्द भी बनाना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मात्रा किस प्रकार से लगती है। कुछ विशेष है आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में अ का मात्रा चिन्ह नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं छोटा अ, उसकी कोई मात्रा नहीं लगती है। प्रत्येक व्यंजन के साथ अ स्वर मिला होता है। जब हम व्यंजन को लिखते हैं तो उसमें अ लगा हुआ होता है, यानी कि यदि हमने लिखा क, ठीक है, तो का को जब हम खोलेंगे तो का आधा होगा और उसके साथ आ लगा हुआ होता है। इसलिए व्यंजनों के उच्चारण में हमेशा स्वर का होना आवश्यक होता है। स्वर रहित करने के लिए व्यंजन के अंत में हलंत चिन्ह लगाते हैं। यदि व्यंजन को अलग से लिखना है, स्वर रहित करना है, तो जिसे कहते हैं ना आधा, तो वहाँ पे उसको हम हलंत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। रा के साथ ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग, रा में ऊ तथा ऊ की मात्रा नीचे ना लगाकर इसके साथ लगती है। जैसे रा प्लस ऊ बराबर रू, तो उसको नीचे नहीं लगेगी, वो उसको बीस में से लगेगी। इसी प्रकार रा प्लस ऊ तो ये होगा रू, रू बनेगा ऐसे शब्द, तो उसकी मात्रा को भी दोनों में आप देखोगे तो कुछ अंतर है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। अब है शब्द। शब्द क्या होते हैं, शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों को मिलाने से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। यदि एक या एक से अधिक वर्ण मिले तो उनसे किसका निर्माण होगा, शब्द का निर्माण होगा। अब अपनी पुस्तक में देखना, सबसे पहले जौकर का चित्र दे रखा है, एक कबूतर का चित्र दे रखा है, कबूतर यानी खग या पक्षी जो भी है, और एक छाती का चित्र दे रखा है। जब हम जौकर को खोलकर लिखेंगे, ऐसी प्रकार खग और छाता को खोलकर लिखेंगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर अलग अलग शब्द सॉरी वर्ण हैं जिनको मिलाकर शब्द बना था। दिए गए चित्रों के नाम लिखे हैं जौकर, खग और छाता। ये नाम दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं, सभी शब्द कहलाते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा याद करनी है आपको, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब है शब्दों के भेद। शब्दों के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मंदिर, गुलाब, महल, खाना, गाय आदि। तो समझ में आया, सार्थक शब्द जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसी को हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। होता क्या है, कभी कभी हम वर्ण के साथ किसी किसी शब्द के साथ दूसरा वर्ण भी जोड़ देते हैं, जैसे खाना जैसे लीपा पोती, ठीक है, तो लीपा क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। जैसे नामा, गालू, ब्लहम, नीपा आदि, तो ये क्या है, निरर्थक अर्थ है इनके, निरर्थक शब्द है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे खाना वाना, तो खाना तो एक शब्द है, वाना क्या है, कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या हो गया, एक निरर्थक शब्द हो गया। अब पढ़ेंगे हम वाक्य, क्योंकि वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। जब एक या दो से अधिक शब्दों के मिलाते हैं तो उनसे क्या बनेगा, और उनसे क्या बनेगा, वाक्य का निर्माण होगा। जैसे कुछ चित्र दे रखें और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। माता जी खाना बना रही हैं, राहुल पत्र लिखता है, कोयल गाना गा रही है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे वाक्य लिखे हैं, जिसे हर वाक्य में अनेक सार्थक शब्द हैं और अंत में पूर्ण विराम लगा है। इन सभी वाक्यों का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है। अब वाक्य की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य
कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कोई वाक्य ले लिया हमने और जिसके बारे में उस वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे विनीता, एक वाक्य लिया हमने, विनीता गा रही है, तो किसके बारे में, कौन गा रहा है, तो विनीता गा रही है। तो यहाँ पे उद्देश्य कौन हो गया? उद्देश्य हो गई यहाँ पर विनीता। दूसरा उदाहरण है, माली फूल तोड़ रहा है, तो फूल कौन तोड़ रहा है? माली तोड़ रहा है। काम कौन कर रहा है? माली कर रहा है। तो यहाँ पे उद्देश्य कौन होगा? माली होगा। ऊपर के वाक्यों में विनीता और माली उद्देश्य हैं। अब है दूसरा विधेय। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्यों में गीत गा रही है, फूल तोड़ रहा है, विधेय है, ठीक है। जो उद्देश्य जो काम करता है उसे हम विधेय कहते हैं। अब जैसे पहला वाक्य था विनीता गा रही है, तो विनीता क्या काम कर रही है? गाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर विधेय क्या हो गया? गीत गा रही है। और दूसरे वाक्य में माली फूल तोड़ रहा है, तो उद्देश्य कौन था यहाँ पर? माली। और माली क्या कार्य कर रहा है? फूल तोड़ रहा है। तो यहाँ पर विधेय क्या हो जाएगा? फूल तोड़ रहा है। तो बच्चों आपका यह वर्ण शब्द और वाक्य का जो ये चैप्टर था यही कंप्लीट होता है। अब इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। पहला है, जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और किन्हीं दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों आप इसको एक बार और पढ़ोगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो आज का ये पाठ आपका यही समाप्त होता है। धन्यवाद।